आईपीएल 2021 में अब मिड सीजन ट्रांसफर शुरू हो चुकी है। अब प्लेयर एक टीम से दूसरे टीम में ट्रेड हो सकते हैं। मैं अब आपको ऐसे खिलाड़ी का नाम बताने वाला हूं जो अपनी टीम को बदल सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहला प्लेयर है डेविड मलान। वो पंजाब में जरूर खरीदे गए थे, पर उन्हें मैचेस खेलने को चांस नहीं मिल रही है, तो वो भी हमें ट्रेडिंग विंडो में नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग विंडो का रूल ये है कि अगर जो प्लेयर दो से कम मैचेस खेलेंगे वही ट्रेडिंग हो सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर दो पे जेसन रॉय। वो SRH के टीम में मिचेल मार्श के रिप्लेसमेंट पे आए हुए थे, पर उनको टीम में जगह नहीं मिल पा रही है, तो ये भी हमें मिड सीजन ट्रेडिंग में नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर तीन पे है क्रिस लिन। क्रिस लिन को मुंबई इंडियंस ने पिछले साल ही खरीदा था और उन्हें पिछले साल भी एक भी मैचेस खेलने को चांस नहीं मिले हैं और इस साल सिर्फ एक ही मैच खेला है, तो अभी हमें मिड सीजन ट्रांसफर विंडो में नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, नंबर चार पे है कृष्णप्पा गौतम। CSK उन्हें 9 करोड़ में खरीदा जरूर है, पर उन्हें मैचेस खेलने को चांस नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें भी हम लोग ट्रेडिंग में देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी मैच खेलने चाहते हैं, क्योंकि अगले साल नीलामी में उन पर और भी ज़्यादा बोली लगे। तो दोस्तों, नंबर पाँच पे हैं कुलदीप यादव। दोस्तों, कुलदीप यादव इंडिया का एक नामियर बॉलर है, जो उन्हें 2 साल से खेलने की चांस नहीं मिल रही है, तो ये कुलदीप यादव भी हमें मिड सीजन ट्रांसफर विंडो में नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कुलदीप यादव भी हमें मिड सीजन ट्रांसफर में नज़र आ सकते हैं और इन पर मुंबई इंडियंस टीम ज़्यादा नज़र जमाई हुई है और कुलदीप यादव हमें मिड सीजन ट्रांसफर में 2021 के मिड सीजन ट्रांसफर